Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafkat Mahmood Yusufzai, and today in this video lecture we will discuss about section 41 of the Transfer of Property Act 1882, which basically deals with transfer by ostensible owner. The word ostensible owner, that has been highlighted already. It means that the owner of the property is not the real owner. यानी कि जो शख्स जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है वो उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर नहीं होता, बल्कि जो है वो जो रियल ओनर होता है उसके कंसर्न के साथ, चाहे वो उसका कंसर्न जो है वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, उसके कंसर्न के साथ उसकी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमारे पास जो है एक प्रॉपर्टी है जो कि ए की प्रॉपर्टी है, और बी क्या करता है कि बी विद द कंसेंट ऑफ द ए, वेदर द कंसेंट इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वो ट्रांसफर कर देता है ए की प्रॉपर्टी सी को. ठीक है, यानी कि यहां पर बी क्या करता है, ए की प्रॉपर्टी को बेच देता है सी को, और सी इसके बदले में जो है वो कंसिडरेशन पे कर देता है. तो यहां पर बी हमारे पास जो है वो क्या है, ऑस्टेंसिबल ओनर है, और ए कौन है, ए यहां पर रियल ओनर है. यहां पर हमारे पास ए रियल ओनर है जिसकी प्रॉपर्टी है, और यहां पर बी जो है जो ट्रांसफर करता है विद द कंसेंट ऑफ द ए सी को, तो बी हमारे पास यहां पे जो है ये ऑस्टेंसिबल ओनर है. सपोज कीजिएगा कि बाद में अगर ए जो है वो सी के खिलाफ एक्शन लेता है कि सी ने मेरी प्रॉपर्टी खरीद ली है विदाउट माई कंसेंट, तो उस टाइम जो है सी को कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी कि कोर्ट में जो है सी को चार कंडीशन जो है वो बताने पड़ेंगे. जो पहला कंडीशन ये है कि द ट्रांसफरी हैज़ टू एस्टेब्लिश्ड, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफर जो है वो बी है, जबकि सी जो है वो हमारे पास ट्रांसफरी है. यानी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करता है वो बी है, और जिसको ट्रांसफर किया जाता है वो सी है. तो द ट्रांसफरी मीन्स द सी हैज़ टू एस्टेब्लिश ट्रांसफर इज द ऑस्टेंसिबल ओनर एंड नॉट द रियल ओनर. यानी कि सी को पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफर है ये एक ऑस्टेंसिबल ओनर है, यानी कि ये बी जो है वो एक रियल ओनर नहीं है, बल्कि ये बी जो है यहां पर ऑस्टेंसिबल ओनर है. जाहिरी तौर पर वो ओनर हो उस प्रॉपर्टी का, मगर रियलिटी में वो ओनर नहीं होता. दूसरा कंडीशन ये है कि ही ट्रांसफर्स the property with the consent, whether expressed or implied, for the of the person entrusted in the property. यानी कि उसने जो property transfer की है वो consent के साथ है, यानी कि जो real owner है उस property का. जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि A यहाँ पर जो है एक real owner है, यानी कि C को ये बताना पड़ेगा कि जो ostensible owner है जिसने मुझे property transfer की है उसने consent के साथ की है, यानी कि उसके पास जो है A का consent था, मौजूद था A का consent उसके पास था, इसीलिए उसने जो है ये property जो है मुझे transfer की है. और consent जो है वो express भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ए बी से कहे कि हाँ भाई आप मेरी प्रॉपर्टी जो है वो बेच दे सी को. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस्ड कंसेंट. और इम्प्लाइड भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर जो है, जब बी सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा था और ए को इस बात का पता था, ए को इस बात का नोटिस था कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो बी ट्रांसफर कर रहा है सी को, तो उस टाइम जो है ए ने कुछ भी नहीं किया. ए बिल्कुल खामोशी कड़ा रहा, ना ये बोला कि भाई ट्रांसफर कर दो, ना ये बोला कि भाई आप क्यों ट्रांसफर कर रहे हो. तो अगर उसने ये नहीं बोला कि भाई आप क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, बिल्कुल खामोश कड़ा रहा, तो एट दैट टाइम हम ये तसव्वुर करेंगे कि जो ए था बी था, जो उसके पास ए का इम्प्लाइड कंसर्न था. थर्ड कंडीशन इज दैट द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी फॉर कंसिडरेशन. यहां पर सी बताएगा कि जो प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर की गई है बाय द ऑस्टेंसिबल ओनर वो कंसिडरेशन के लिए, यानी कि मैंने उसके बदले में कुछ अमाउंट पे कर दिया है बी को, यानी कि मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो मैंने पैसों से खरीदी है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं की गई है. यानी कि ये जो पॉइंट है हमारे पास ये जो थर्ड पॉइंट है, शुड बी फॉर कंसिडरेशन, इट बेसिकली एक्सक्लूड्स गिफ्ट. यानी कि प्रॉपर्टी गिफ्ट ना की गई हो, प्रॉपर्टी को बेच दिया गया हो और प्रॉपर्टी के बदले में जो है ऑस्टेंसिबल ओनर को कुछ पैसे मिले हो. इसी तरीके से जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि द ट्रांसफरी हैज एक्टेड
इन गुड फेथ और इन बोनाफाइड, यानी कि जो ट्रांसफरी है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल सी इज द ट्रांसफरी है, तो ये जो ट्रांसफरी है इसने प्रॉपर्टी खरीदी है नेक नियति से, यानी कि उसका कोई ये कंसर्न नहीं था कि जो ओरिजिनल ओनर है इस प्रॉपर्टी का उसके साथ जो है कोई धोखाबाजी की जाए, या जो ए है उससे जो है ये प्रॉपर्टी किसी धोखे वगैरह से जो है वो खरीद लिया जाए। उसका जो इंटेंशन है प्रॉपर्टी का खरीदने का, जो उसका इंटेंशन है वो क्या हो, वो एक गुड फेथ में हो, बोनाफाइड हो, यानी कि मेलाफाइड इंटेंशन ना हो, बदनीयती से ना हो, क्या हो, बोनाफाइड इंटेंशन हो। एट दैट टाइम द ट्रांसफर वुड नॉट बी डिक्लेयर वॉइडेबल। तो ये जो ट्रांसफर जो है, ये जो मुकम्मल प्रोसेस मैंने आप लोगों को यहां पर बताया है, ये ट्रांसफर जो है जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई है ये वॉइडेबल नहीं हो सकता। सॉरी, जैसे कि अगर वॉइडेबल मतलब ये है कि अगर ए बोल दे कि नहीं मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता, या मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करना चाहता, तो वहां पर जो है वो ये ट्रांसफर वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। ठीक है, तो फिर अगर वो ट्रांसफरी जो है ये चार कंडीशन बता देगा कोर्ट में और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये जो चार कंडीशन है ये बिल्कुल वैलिड है, तो एट दैट टाइम द ट्रांसफर वुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वॉइडेबल। तो यहां पर अगर इन चारों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को भी ट्रांसफरी सेटिस्फाई ना कर सका तो एट दैट टाइम नो प्रोटेक्शन वुड बी प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन टू द ट्रांसफरी। यानी कि अगर इन चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन मिस हुआ तो एट दैट टाइम नो प्रोटेक्शन वुड बी अवॉइडेड, यानी कि कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा अंडर दिस सेक्शन 41। तो इस लेक्चर में अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।